हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 84 हमें दे रखा है सिंप्लीफाई। ये जो टर्म दे रखे हैं इनको सिंप्लीफाई करना है। देखो, तीनों को एक साथ सॉल्व करने से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए हम इसको वन बाय वन पार्ट करके सॉल्व करेंगे। इसे फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, माइनस में थर्ड पार्ट। तो पहले सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट पार्ट को। यहाँ में दे रखा है 2√6 और ये √3 प्लस में √2। तो इसको करेंगे हम रैशलाइज करने का तरीका होता है, जो भी टर्म दे रखी है इसका अपोजिट साइन ले लो, प्लस है तो यहाँ ले लेंगे माइनस, ठीक है। √3 माइनस में √2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2√6 ब्रैकेट √3 माइनस में √2 ब्रैकेट, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए की जगह आ जाएगा √3 का होल स्क्वेयर, बी की जगह आ जाएगा √2 का होल स्क्वेयर। स्क्वेयर से रूट कैंसिल हुआ, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हुआ, ठीक है। तो ये मेरा आगे देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये याद रखना, √ वाले से मल्टीप्लाई होगी, विदाउट √नंबर विदाउट √वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। आगे कुछ नहीं, वन मान लेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, √वाले से 6 3 जा 18। आगे कुछ नहीं, 1 2 1 जा 2, ठीक है। √6 को √2 से 6 2 जा 12 आ गया मेरा। नीचे 3 में से 2 का कितना आया 1, √18 के करेंगे फैक्टर। 2 का डिवाइड दे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसका पेयर बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर नहीं बन पाया तो 2 अंदर रहेगा। इसी तरीके से 12 के फैक्टर करेंगे, 12 का डिवाइड दे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर, 3 का पेयर नहीं बन पाया, 3 अंदर ही रहेगा। तो 3 2 जा 6 √2 एंड 2 2 जा 4 √3। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमें दे रखा है 6 √2 अपॉन में √6 प्लस में √3। रैशलाइज करने का सेम वही तरीका रहेगा, प्लस है तो माइनस का साइन ले लेंगे, प्लस है तो माइनस का। यह आगे मेरा 6 √2 ब्रैकेट √6 माइनस में √3। नीचे की तरफ जो है मेरा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सेम यही फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए की जगह √6, बी की जगह √3। तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल हुआ, स्क्वेयर से रूट मेरा कैंसिल हुआ, कितना निकल के आया 6 √2 ब्रैकेट √6 माइनस √3 अपॉन में 6 में से 3 माइनस करें कितना आएगा 3, 3 का इसमें डिवाइड दे, 3 2 जा 6। तो यह आया मेरा 2 √2 ब्रैकेट √6 माइनस √3। अब मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करते समय इसी बात का ध्यान रखना है, √वाला नंबर √वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, विदाउट अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा। 2 को 1 से किया, 2 1 जा 2, √2 को √6 के साथ, 6 2 जा 12, 2 को 1 के साथ 2, 2 3 जा 6। अब देखो 12 का √ करेंगे तो 12 का मैंने किया था ना, 2 का पेयर बन रहा है तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 3 का नहीं बन रहा, 3 अंदर रहेगा। 6 के फैक्टर करते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ना इसका पेयर बना ना इसका पेयर बना, तो ये तो √ में ही रहेगा। तो ये आएगा 2 2 जा 4 √3 माइनस में 2 √6 रहेगा। अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है यहाँ पे 8 √3 अपॉन में √6 प्लस में √2। तो सॉल्व करने का सेम वही लॉजिक है, प्लस का साइन है तो माइनस लेंगे, √6 माइनस √2। तो यहाँ पे आया 8 √3 ब्रैकेट √6 माइनस में √2 ब्रैकेट क्लोज। एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, तो फॉर्मूला वही ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए की जगह √6 का स्क्वेयर, बी की जगह √2 का स्क्वेयर। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा कितना 8 √3 ब्रैकेट √6 माइनस में √2। स्क्वेयर से √ कैंसिल हो गया, स्क्वेयर से √ कैंसिल हो गया। 6 में से 2 का कितना है 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये मेरा निकल के आया 2 √3 ब्रैकेट √6 माइनस में √2। √वाले टर्म √वाले से मल्टीप्लाई होगी, विदाउट अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 जा 2, 6 3 जा 18। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, √3 को √2 के साथ √6। अब 18 के जब हमने फैक्टर किए थे तो देखो 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर नहीं बन पाया तो 2 रहेगा √ के अंदर, तो 3 √2 हो जाएगा। 6 के फैक्टर होते नहीं तो 6 को ऐसे लीजिए रखेंगे, 3 2 जा 6 √2 माइनस में 2 √6। तो मेरे तीनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। तीनों पार्टों को अब वापस उसकी वैल्यू में पुट कर देंगे।
तो स्टूडेंट ये मेरा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था, ये मेरा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन था और ये मेरा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन था। इन तीनों सॉल्यूशन को मैंने जैसे यहाँ पे 1 + 2 + -3 था उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। तो अब मैंने इसके ब्रैकेट ओपन करा, 6√2 - 4√3 + 4√3 - 2√6, जिसके बाहर माइनस है अंदर वालों के साइन चेंज प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2√6। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का सेम है, कैंसिल हो गया, माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, तो पूरी टर्म में से पूरा ही माइनस हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 0। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।